आप सभी लोगों को थंबनेल और टाइटल देख के शौक जरूर लगा होगा और अपने आप में ये सच्चाई वाली बात है और बहुत बिल्कुल बढ़िया बात है कि एक ही साल में 2022 के अंदर तीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो चुने जाएंगे। अपने आप में बहुत हिस्ट्री क्रिएट करने वाली बात है। आज तक पूरे जीवन के अंदर, आज तक पूरे इंडिया में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर आज सारी जानकारी मुझे आपको देने वाला हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। आप अगर एक लॉ स्टूडेंट हो या एडवोकेट हो, आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक आप आम इंसान हो तो एक जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बातें सारी की सारी पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोगों को पता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कहीं ऐसे तो बनते नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बाद भी आपको सीनियर मोस्ट जज होना जरूरी है। जब सीनियर मोस्ट जज आप बन जाते हो सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद में जब जो सीजीआई अभी बने हुए हैं जब उनका रिटायरमेंट पीरियड आता है उसके बाद आप सीजीआई बनते हो, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाते हो, ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर्ड होते हैं उनकी फाइनल एज क्या होती है। आप सभी लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उसकी मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होती है, और अगर कोई हाई कोर्ट का जज बनते हैं तो उनकी मैक्सिमम एज ऑफ रिटायरमेंट 62 ईयर्स होती है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई जज बनता है तो उनकी मैक्सिमम एज ऑफ द रिटायरमेंट 60 ईयर्स होती है। तो ये क्लासिफिकेशन होता है 60, 62 और 65। तो अगर कोई अब सीनियर मोस्ट जज अपनी मान लेते 64 एज में सीजीआई बनता है तो उसका टेन्योर पीरियड कितना होगा, 1 साल का होगा, यानी 65 साल में तो रिटायर हो रहे हैं, तो इसीलिए 1 साल का टेन्योर पीरियड होगा। यही चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे भारत के अंदर हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, और आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है एक ही साल में तीन तीन सीजीआई, नई नई सीजीआई चुने जाएंगे। तो पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा उनका नाम क्या है और ये कैसे पॉसिबल है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का एक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। 300 रुपए में केवल 45 दिन का आप 8th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का सब्सक्रिप्शन बहुत आसानी से पा सकोगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब मैं जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी गोल्ड का भी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आया हुआ है जिसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और ऊपर से आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10 का तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। जहां पे आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लिंकिंग बैच 2.0 चालू हुआ था 13 अप्रैल से, बहुत सक्सेसफुली ये लॉन्च हो चुका है। आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब बैच एक दूसरा भी चालू हुआ था जिसको हम फाउंडेशन बैच बोलते हैं, कंप्लीट 1 साल वाला, दोनों ही 1 साल वाले बैचेस हैं। आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। और आपको पता है हमारी जुडिशरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती है अनअकैडमी के ऊपर, और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस तो होते ही होते हैं और मेंटोरशिप के सेशंस भी होते ही होते हैं। इसको हम बोलते हैं अपना जुडिशरी का आइकॉनिक बैच, जिसमें ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे प्लस के जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको आइकॉनिक बैच के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो अनअकैडमी के ऊपर तो बहुत इजीली आप देख सकते हो, फ्री क्लासेस होती हैं हर एजुकेटर की, इनफैक्ट मेरी खुद फ्री क्लासेस देखने को आपको इजीली मिलेंगी। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SLG10 का, तो उसमें आप लोग लाइव टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेटर्स की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आप लोग ज्वाइन जरूर करोगे। सबसे पहली बात आती है इंडिया के पास तीन सीजीआई बनने वाले हैं, तो ये जो है पहली बार हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर होने वाला है जिसमें तीन महीने में तीन सीजीआई, बिल्कुल सच्चाई वाली बात है, 3 महीने में 3 सीजीआई। कैसे, आपको पता है अभी करंटली हमारे सीजीआई का क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। चीफ जस्टिस एनवी रमना जी, जो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में भी इनका नाम मैं लेता हूं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं, और हमारे देश को जो जरूरत है एन जैसे चीफ जस्टिस की ही जरूरत है, और भी जितने भी हमारे सीजीआई हैं उन्होंने भी अपने रिसेंटली बहुत बढ़िया बढ़िया जजमेंट्स दिए हैं और नीड भी थी, और इसके लिए इनका रिटायरमेंट जो पीरियड है वो होने वाला है अगस्त 2022 के अंदर ये सीजीआई एनवी रमना जी जो है रिटायर्ड हो जाएंगे। इनके बाद मैंने भी आपको क्या बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होंगे वही अब नए सीनियर सीजीआई बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो दूसरे जो हमारे सीनियर मोस्ट जज होंगे उनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित, आपको पता होगा ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए थे। ऐसे भी एक प्रोसीजर होता है, एक एलिजिबिलिटी होती है, क्वालिफिकेशन होती है कि अगर आप लॉयर हो, आपके पास अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जज बन सकते हो। तो ऐसे ही जो जस्टिस उदय उमेश ललित जी थे वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन गए थे। अब नेक्स्ट सीजीआई ये बने जाएंगे जिनको बोला जाता है जस्टिस यू ललित के नाम से, इनका नाम ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है बट मैंने आपको फुल फॉर्म में बता दिया है। तब ये नेक्स्ट सीजीआई बनेंगे, लेकिन
इनका जो रिटायरमेंट जो ये 65 साल के अभी ढाई महीने पहले इनको ये पोस्ट मिलेगी और ढाई महीने के लिए ये सीजीआई बने रहेंगे। मैंने आपको क्या बताया, आपकी अगर एज 65 ईयर्स हो जाती है तो आपको रिटायर्ड होना पड़ेगा। तो इनकी 65 ईयर्स जो है सीजीआई पोस्ट पे आने के बाद ढाई महीने के बाद खत्म हो जाएगी, मतलब ये 65 ईयर्स तक बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली इनको अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये जब रिजाइन देंगे, यानी कि कहने का मतलब है सेकंड सीजीआई 2022 के अंदर कौन होंगे, हमारे जस्टिस उदय उमेश ललित, ढाई महीने के अंदर अंदर इनका रिटायरमेंट पीरियड हो जाएगा। अब तीसरे सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, मतलब जैसे ही जस्टिस उदय उमेश ललित जी बन जाएंगे तो अब जो पीछे वाले सीनियर मोस्ट जज होंगे वो अब आगे आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज कौन होंगे, आपने इनका जस्टिस का नाम सुना होगा बहुत बार न्यूज में, बहुत सारे जजमेंट्स में इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। इनका नाम है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी। इनका जो है अपॉइंटमेंट होगा नवंबर 2022 के अंदर, यानी कि तीसरे महीने के अंदर, जब हमारा सीजीआई के पोस्ट की बात कर रहा हूं तो तीसरे महीने यानी नवंबर 2022 में ये डी वाई चंद्रचूड़ जी जस्टिस जो है ये सीजीआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इनकी जो एज है रिटायर, मतलब ये 63 ईयर्स की एज में जो है ये सीजीआई बनेंगे। और रिटायरमेंट एज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, 65 ईयर्स। तो यानी कि दो साल का टेन्योर पीरियड अपना सीजीआई का संभालेंगे। इसके अंदर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, आपको पता है पूरे जीवन में, मतलब जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जब से सुप्रीम कोर्ट की गवर्नेंस हमारे इंडिया में आई है, फीमेल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की कितनी बनी है, टोटल 11 हमारी फीमेल जस्टिस बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और बहुत सारे हमारे हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में हैं फीमेल जस्टिस, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो टोटल अभी भारत में 11 हमारे भारत में बनी गई है। अब इसके अंदर मैं बात करूं जो और अभी करंटली कितनी फीमेल जो है जस्टिस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, केवल और केवल 4। उनमें से इनका नाम है इंदिरा बैनर्जी, जो 2022 के अंदर अभी रिटायर्ड होने वाली हैं। तो जब इनका रिटायरमेंट पीरियड हो जाएगा, जब ये रिटायर्ड हो जाएंगी, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितनी फीमेल जस्टिस बचेंगी, केवल और केवल 3। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी दिल्ली का जो पेपर हुआ है दिल्ली जुडिशरी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो मैंने ये मेन आपको मुद्दा समझाना था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लीगल करंट अफेयर्स के मुताबिक भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस विल रिड्यूस द फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज टू 3। तो अब क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी, 3। और केवल हमारे पूरे भारत में कितनी फीमेल बनी है, टोटल और टोटल 11। याद रखिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इनोवेटिव लगी होगी। तो आप अगर ऐसी जानकारी डेली बेसिस पे देखना चाहते हो, जो भी हमारे लीगल अफेयर्स होते हैं या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या हाई कोर्ट के जजमेंट्स या जो भी कोई जॉब्स की अपडेट्स आती हैं या जो भी कोई लॉ स्टूडेंट को इंटर्नशिप की अपडेट जाननी जरूरी है, बिल्कुल और बिल्कुल आपको मैं अच्छी चीज इस चैनल के माध्यम से बताता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और अगर आप शेयर करना चाहते हो अपनी जानकारी किसी दूसरे को भी शेयर करके देना चाहते हो, आप वीडियो को शेयर करके दे सकते हो। आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको डेली अपडेट्स देते रहता हूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।